वालेकुम न्यूज़ प्लस के साथ मैं हूं सैयदा सना और मैं हूं अरशद अली। नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। बिलाखिर हुकूमत ने घुटने टेक दिए, धरना मुजाहिरीन की जीत हुई। इस्लामाबाद में 3 हफ्तों से जारी धरने में कई उतार चढ़ाव आए। हुकूमत ने अपने वजीर कानून को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन तक कर डाला, मगर मुट्ठी भर फैलाए जाने वाले धरना मुजाहिरीन वफाक वजीर कानून को फारिग कर गए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का फैजाबाद में धरना काम कर गया। वफाक वजीर कानून जाहिद हामिद अब वजीर कानून नहीं रहे। जाहिद हामिद के सफे और पाक फौज की सालिसी के बाद खादिम हुसैन रिजवी की जानिब से धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। इस्लामाबाद और दीगर अहम सड़कों से कंटेनर हटाकर आवाम के लिए खोल दिया गया। अब मामला तय पा गए, मुजाहिरीन ज्यादातर जगह को खाली कर चुके हैं। जिस कानून के हवाले से तमाम मामला हुआ इसको सब जमातों ने मिलकर पास किया, मगर कुछ जमातों ने मामले से खुद को अलग करके हुकूमत को फंसाने की कोशिश की। विफाके वजीर दाखला हसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। धरना कायदीन और हुकूमत के दरमियान मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के मुताबिक धरने के दौरान मजहबी जमात के गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए, तमाम मुकदमात भी खत्म कर दिए जाएंगे। 25 नवंबर को हुकूमती एक्शन से मुतालिक इंक्वायरी बोर्ड कायम किया जाएगा, जिम्मेदारों का तायुन करके 30 दिनों में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैजाबाद धरने के खिलाफ दरखास्तों पर आज की समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक अदालत को मुआहदे की शराइत पर संजीदा एतराजात हैं। धरने वालों ने जजस को गालियां दी, माफी की शिक मुआहदे में क्यों नहीं डाली, वजारत दाखला ने कोई काम नहीं किया, धरने वालों के सामने सरेंडर किया जाए, जिस फौजियों को सियासत का शौक है वो रिटायरमेंट लेके सियासत में आए। खत्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलफनामे में तब्दीली का मामला, राजा जफरुल हक कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट के मंदरजात सामने आने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक रहनुमा मुस्लिम लीग नून और विफाकी वजीर अनोशे रहमान की जानिब से तजवीज दी गई कि हलफनामे की तस्दीक के लिए ओथ कमिश्नर के पास जाना पड़ता है, लिहाजा लफ्ज हल्फ को हजफ करके सिर्फ इकरार का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग और साबिक सिपा सलार परवेज मुशर्रफ कहते हैं फौज को अदलिया के पीछे खड़ा होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के हक में कदम उठाते हुए मौजूदा हुकूमत को निकाल बाहर करे, बेनजीर के कत्ल का इल्जाम बिलावजह मुझ पर आयद किया जा रहा है, एमक्यूएम एक धब्बा है जिससे जान छुड़ानी पड़ेगी। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब पहुंच गए। पाकिस्तान के सिविल और फौजी क्यादत इस्लामी ममालिक के फौजी इत्तेहाद के इजलास में शिरकत करने के अलावा सऊदी हुकाम से मुलाकात करेगी। सऊदी अरब में पाक सऊदी दो तरफा उमूर पर अहम इजलास भी मुनक्द किए जाएंगे। अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मैट 3 दिसंबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे, हमेशा की तरह इस बार भी डू मोर का पैगाम ला रहे हैं। जेम्स मैट दौरे के दौरान वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वजीर ख्वाजा ख्वाजा आसिफ और वजीर दिफा खुर्रम दस्तावेज से मुलाकात करेंगे। पाक अमरीका कशीदगी में ये दौरा गैर मामूली अहमियत का हामिल है। सदियों पहले होने वाले जालिमाना और इंसानियत के मनाफी वाकयात आज भी जारी, और वो भी कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में। शहर कायद में जिरगे के फैसले पर पसंद की शादी करने वाले जोड़े को कत्ल कर दिया गया। कत्ल के बाद लाशों की तदफीन भी खामोशी से कर दी गई। पुलिस की जानिब से बाप समेत 5 अफराद को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। नूरियाबाद में मुसाफिर कोच और ट्रॉलर में खौफनाक तसादुम, हादसे के नतीजे में 8 अफराद जाबाग और मुर्तद जख्मी हो गए। जाबाग होने वाले अफराद में 4 खवातीन शामिल, इमदादी टीमों की जानिब से जख्मी और जाबाग अफराद को जामशोरो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर कोच कराची से हैदराबाद जा रही थी।
भारत मसले कश्मीर की हसासियत और नजाकत को नजरअंदाज करके मकबूजा इलाके में बर्पा हालात को महज अमन अमान का मसला करार देकर संगीन गलती कर रहा है। पथराव की पादाश में गिरफ्तार नौजवान के लिए आम माफी का नाम निहाद ऐलान महज एक दिखावा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली गिलानी की जानिब से भारतीय जालिमाना कार्रवाईयों की शदीद मुज़म्मत। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई, मजीद खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsplus.com.pk। हमारे साथ रहिएगा।